इस सरकार की तरफ पूरा महाराष्ट्र उम्मीद की तरह किरण से देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी ने इस सरकार का समर्थन किया है क्योंकि महाराष्ट्र के मुसलमान, दलित सब इस वक्त देख रहे हैं कि ये सरकार उनको न्याय देगी, क्योंकि पिछले 5 साल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई और जिस तरह से इस पूरे राज्य में लोगों ने अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ पाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी के नेतृत्व में हर समाज को इसमें न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, बच्चू कड़ू जी ने राज्य की किसानों की बताई, मैं राज्यपाल जी के भाषण में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, उस पर बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे बड़े बड़े आंकड़े दिए गए कि किस तरह से 5 साल में इस राज्य में जो है लोगों को न्याय मिला और काम मिला। अध्यक्ष महोदय, अगर आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा को देखें तो 2016 से लेकर आज तक जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है वो आप देख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, जो मैंने कहा जो तो सही और बार बार कहकर एक झूठ को सत्य बनाने की कोशिश की जाती है। हम लोग सड़कों पे से आते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राज्यपाल जी ने उसी को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं 7 साल में 3 अलग अलग क्षेत्रों में काम किया हूं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में मैंने काम किया है, मैंने देखा है कि स्किल डेवलपमेंट का फायदा आखिरी शख्स को नहीं पहुंचता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को यह निर्देश दीजिए कि माइक्रो प्लान बनाइए। मैं भिवंडी शहर का नेतृत्व करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी कंस्टिट्यूएंसी में ज्यादातर नौजवान लोग हैं, लेकिन आज जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और खास तौर से मुस्लिम और दलित समाज में बढ़ा है, उसके लिए जिम्मेदार ये सरकार है। अध्यक्ष महोदय, अगर स्किल डेवलपमेंट की बात राज्यपाल करते हैं तो मैं समझता हूं एक माइक्रो प्लान की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय जो मैं लेना चाहता हूं वो है प्राइमरी एजुकेशन। अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले जितेंद्र अवार जी ने कहा कि इस सरकार में जो एजुकेशन मिनिस्टर थे विनोद तावड़े जी, उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम का भगवाकरण किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जितेंद्र अवार जी ने जिस तरह से कहा है कि आरएसएस के जितने अपॉइंटीज किए गए हैं उनको फौरन निकाला जाए। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, सरकार का एक ऐसा डिसीजन था जिससे प्राइमरी एजुकेशन को बहुत ठेस पहुंची है। अध्यक्ष महोदय, विनोद तावड़े जी ने सेल्फ फाइनेंसिंग लेके आ गए। सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब है कि प्राइमरी एजुकेशन को जो एड मिलती थी वो बंद कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से राज्यपाल जी ने अपने भाषण में कहा है कि एजुकेशन महंगा होते जा रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैं आज भी नगर सेवक हूं बाइकला इलाके का, जहां पे ज्यादातर क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। हमारे पॉलिसीज ने आज क्रिश्चियन स्कूल्स को मजबूर कर दिया है कि वो आईबी की तरफ जाए। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ लोकल बॉडीज जो स्कूल चलाती हैं, चाहे वो महानगर पालिका की हो, चाहे भिवंडी के अंदर महानगर पालिका जो चलाती है, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें इतना बुरा हाल है कि कोई भी नागरिक नहीं चाहता कि अपने बच्चे जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़े जो महानगर पालिकाएं चलाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जिस तरह से इस भाषण में कहा गया है कि जो है सरकार प्राइमरी एजुकेशन को रिफॉर्म करेगी, वो अमल बजावनी उसकी होगी। अध्यक्ष महोदय, उसी तरह से हाल हेल्थ का है। आज हम देखते हैं कि भिवंडी जैसा शहर जिसके अंदर 30 किलोमीटर तक एक भी सिविल हॉस्पिटल नहीं है, 11 लाख की आबादी है अध्यक्ष महोदय, वहां पे एक हॉस्पिटल है, वो भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आईजीएम। अगर आप देखेंगे वहां की सुविधाएं तो इतनी खराब है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आप बेल मत बजाइए, पहली बार मैं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी हेल्थ को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। मैं एक और मुद्दा लेना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम समाज स्कॉलरशिप से 5 साल से वंचित रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आखिरी मुद्दा है। एक मिनट, सभागृहाची वेळ सभागृहाचं कामकाज संपेपर्यंत वाढविण्यात येत आहे। जल्दी लीजिए, हो गया अभी, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, नहीं, आपको 10 मिनट दिए अभी। अध्यक्ष महोदय, मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अध्यक्ष महोदय, उर्दू अकेडमी, ये तमाम इदारों को कोई फंड नहीं दिया गया 5 साल। मैं सम्माननीय आशीष शेलार जी भी यहाँ बैठे है, इस सरकार के अंदर एक मुस्लिम बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन
इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करें। दूसरा अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज पूरे राज्य में मुस्लिम समाज हो या आम तौर से ट्राइबल्स हो या फिर दलित समाज हो, जो शोषित समाज है, उनमें जिस तरह से आज घबराहट है सीएए की वजह से और एनआरसी की वजह से, मैं समाजवादी पार्टी के मार्फत आपसे, सरकार से निवेदन करता हूं कि वो